हेलो चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड हाउ वी कैन मैनेज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है? ओके, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट इज अ जेनरिक टर्म यूज टू डिस्क्राइब ऑल टाइप्स ऑफ ओल्ड एंड ऑफ लाइफ और डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स. तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है आपका पुराना या फिर डिस्कार्डेड, मतलब खराब हो चुका या फिर जिसकी लाइफ बिल्कुल एंड हो चुकी है, ऐसा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सामान. ओके ओके, तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टू वर्ड्स यूज हुए, राइट? तो इलेक्ट्रिकल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अदर टाइप्स ऑफ एनर्जीज सच एज हीट, लाइट, साउंड एसेक्टा. तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मतलब चेंज कर देते हैं दूसरी एनर्जीज में, जैसे हीट हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया. ओके, तो इसके एग्जांपल्स है आपका फैन, मोटर, जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर. ओके, राइट. एंड इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रेगुलेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑपरेशंस, राइट. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होते हैं, अब मैं इसको बहुत डीप में नहीं जाऊंगी, मैं इतना बता देती हूँ. वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्जेस, उनके फ्लो को ऑपरेट करते हैं, राइट. तो इसके अंदर हमारा आ जाता है कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, रिमोट्स, कैमरास एक्सेट्रा, राइट. तो ऐसा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो डिस्कार्डेड हो चुका है, जो आपके लिए यूजलेस है. ओके, सच एज हाउस होल्ड अप्लायंसेस, ठीक है, जैसे घर में यूज होने वाले सामान. ओके, मिक्सी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ऑफिस इंफॉर्मेशन, ऑफिस में यूज होने वाले आपके जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक वहां पे भी कंप्यूटर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, स्कैनर्स हो गए, राइट. एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, कम्युनिकेशन के लिए जो आप मोबाइल फोन्स यूज करते हो, फोन, लैंडलाइन फोन्स यूज होते हैं. एंटरटेनमेंट एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, एंटरटेनमेंट के लिए आपका टीवीज हो गए, टेलीविजन हो गए, राइट. तो ये जो आपके डिस्कार्डेड हो चुके हैं, लाइटनिंग इक्विपमेंट्स, जो लाइटनिंग के लिए आप लाइट्स यूज करते हो, वो इक्विपमेंट्स. इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टूल्स, ओके, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक टूल्स जो आप यूज करते हो, इलेक्ट्रिकल टॉयज होते हैं, एंड लेजर, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल इक्विपमेंट्स दैट आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, वो सारे इंस्ट्रूमेंट, वो सारे आर्टिकल्स जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होते हैं, राइट. वो उनका वेस्ट मटेरियल कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, या हम उसको बोलेंगे ई वेस्ट. चार्जर्स हो गए, ओके, ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, राइट. ई वेस्ट कंटेन बोथ वैल्यूएबल एंड हजार्डस मटेरियल्स दैट रिक्वायर स्पेशल हैंडलिंग एंड रिसाइकलिंग मेथड्स. तो ये जो ई वेस्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? वैल्यूएबल चीजें भी होती है और बहुत ही क्या होता है, हजार्डस मीन्स जो नुकसान करते हैं, ऐसा मटेरियल भी होता है. तो जो ई वेस्ट होता है उसकी एक स्पेशल हैंडलिंग चाहिए होती है, मतलब उसको एक अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए और उसके जो रिसाइकलिंग मेथड है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से रिसाइकलिंग किया जाना चाहिए ई वेस्ट को. ओके, सम ऑफ द कॉमन ई वेस्ट आइटम्स आर, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुआ है ई वेस्ट आइटम्स का. कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, हार्ड ड्राइव, फैंस, माइक्रोवेव, प्रिंटर, टेलीविजन सेट्स, वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर्स. ओके, तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत सारे होते हैं. तो जब वो यूजलेस हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, डिस्कार्डेड हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बन जाते हैं. ओके, नाउ वी हैव ई वेस्ट हजार्ड्स, मतलब ई वेस्ट के क्या नुकसान होते हैं. ओके, ऑल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज मेड अप ऑफ डेडली केमिकल्स सच एज लेड, कैडमियम, बेरिलियम, मर्करी एसेट्रा. ओके, तो जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है वो कुछ बहुत ही डेडली केमिकल्स से बनता है, ठीक है, जिसमें लेड है, कैडमियम है, बेरिलियम है, आपका मर्करी है. ओके, डिस्पोजिंग ऑफ गैजेट्स एंड डिवाइसेस इम्प्रॉपरली इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ दीज डेंजरस केमिकल्स कॉन्टेमिनेटिंग द सॉयल, पॉल्यूटिंग द एयर एंड लीचिंग इन टू वॉटर बॉडीज. तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपने इन गैजेट्स को या डिवाइसेस को अच्छे ढंग से क्या किया, रिसाइकल नहीं किया, ठीक है,
इनका डिस्पोजल मतलब उनको आपने डिस्पोज करना, उनको एक तरीके से डिस्कार्ड मतलब जैसे डिस्पोज करते हैं, रिसाइकल करते हैं, या कहीं पे हम उसको फेंक देते हैं, ठीक है, या डिस्पोजल कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने इनप्रॉपर तरीके से किया है तो क्या होगा, इसके जो डेंजरस केमिकल्स है वो क्या करेंगे, सॉयल को कॉन्टिमिनेट कर देंगे, मीन सॉयल को प्रदूषित कर देंगे, राइट, पॉल्यूटिंग द एयर पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, ओके, एंड लीचिंग इनटू वाटर बॉडीज। लीचिंग क्या होता है, लीक हो जाना, ड्रेन अवे, ठीक है, तो वाटर बॉडीज के अंदर वो ड्रेन हो जाएंगे, राइट। तो इनको बहुत ही एक प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना चाहिए ई वेस्ट को, ओके। व्हेन ई वेस्ट इज डिपॉजिटेड इन अ लैंडफिल, इट टेंड्स टू लीच व्हेन वाटर पासेस थ्रू इट। समटाइम्स क्या करते हैं हम लोग, लैंडफिल मींस क्या होता है, गड्ढे खोद के वहां पे ई वेस्ट को क्या कर देते हैं, वहां पे दबा देते हैं, ओके। तो अगर आपने क्या किया, ई वेस्ट को लैंडफिल के अंदर गड्ढों के अंदर खोद के दबा दिया, तो इट टेंड्स टू लीच, तो वहां से क्या हो सकता है, उसके जो केमिकल्स है वो लीच हो सकते हैं, लीच मतलब वो लीक हो सकते हैं, व्हेन वाटर पासिस थ्रू, जब जब उसके अंदर से पानी, जो इंटरनल वाटर होता है, जमीन के नीचे का पानी होता है, अगर वो उसके अंदर से पास होगा तो वो पानी क्या होगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, ओके। पिकिंग अप ट्रेस एलिमेंट्स, और उसके जो जमीन के अंदर जो वाटर होता है, ओके, वो उसके अंदर से पास होगा तो उसके केमिकल्स को अपने साथ ले लेगा, उसके जो एलिमेंट्स हैं उसके ट्रेसेस अपने साथ ले लेगा, तो वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा, राइट। द कॉन्टेमिनेटेड लैंडफिल वाटर देन रीचेस नेचुरल ग्राउंड वाटर, और जो कॉन्टेमिनेटेड मतलब जो पॉल्यूटेड लैंडफिल वाटर है वो कहाँ पहुंचेगा, नेचुरल ग्राउंड वाटर के अंदर वो मिक्स हो जाएगा, विद इंक्रीज टॉक्सिक लेवल्स एंड कैन बी वेरी हार्मफुल इफ इट एंटर्स एनी ड्रिंकिंग वाटर सोर्स। और वो जो ग्राउंड वाटर है, अगर वो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स में मिक्स हो जाता है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर सोर्स क्या होता है, जैसे वेल्स होते हैं, ठीक है, वहां से लेते हैं, ट्यूब वेल्स होते हैं, ओके, तो जो अंडरग्राउंड वाटर्स होता है अगर वो उसमें जाके मिक्स हो जाता है और वो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है हमारा, तो क्या होगा, ये जो इतने ज्यादा पॉइजनस जो केमिकल्स हैं वो क्या होंगे, ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो जाएंगे, ओके। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। व्हेन ओपन एयर बर्निंग एंड एसिड बाथ आर यूज्ड टू रिकवर वैल्यूएबल मटेरियल्स फ्रॉम ई वेस्ट, हम क्या करते हैं, ई वेस्ट में से जो एक वैल्यूएबल चीजें होती है उनको निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो उनको खुले में बर्न कर देते हैं, ओपन एयर बर्निंग, ओके, या फिर एसिड्स का यूज करते हैं जिससे कि उसका वैल्यूएबल मटेरियल अलग हो जाए, ओके। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इट रिलीजेस टॉक्सिक मटेरियल्स लीचिंग इनटू द एनवायरनमेंट, ओके। तो वो ऐसा टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस करता है जो क्या होता है, वो एनवायरनमेंट में, एयर में मिक्स हो जाता है, विच कैन लीड टू इरिवर्सिबल हेल्थ इफेक्ट, जिससे क्या होगा, ऐसे हेल्थ इफेक्ट्स होंगे जो इरिवर्सिबल है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। और कौन से चीज हो सकती है, इस एयर पॉल्यूशन से क्या क्या हो सकता है, इंक्लूडिंग कैंसर्स, कैंसर हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज, न्यूरोलॉजिकल क्या होता है, नर्व्स का डैमेज, नर्वस सिस्टम का डैमेज, ओके, डिमिनिश्ड आईक्यू, और ये जो हमारा आईक्यू लेवल होता है उसको भी क्या करता है, कम कर देता है, फाइन। तो यहाँ पे क्या है, ई वेस्ट के ये नुकसान है कि हम अगर उसको सही तरीके से रिसाइकल नहीं करते हैं, सही तरीके से उसको डिस्पोज नहीं करते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नाउ वी हैव ई वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट को कैसे मैनेज किया जा सकता है, ओके। हियर आर सम इको फ्रेंडली वेस्ट डिस्पोजल टेक्निक्स दैट यू कैन यूज टू डिस्पोज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट लोकली, ओके। तो यहाँ पे कुछ इको फ्रेंडली टेक्निक्स बताई जा रही है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हो, फाइन। सो फर्स्ट वी हैव गिव योर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट टू अ सर्टिफाइड ई वेस्ट रिसाइकलर, आपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को सर्टिफाइड ई वेस्ट रिसाइकलर को दो, ओके। यू नीड टू फाइंड एंड ई वेस्ट रिसाइकलर हु इज ऑफिशियली सर्टिफाइड बाय द बेसल एक्शन नेटवर्क, राइट। बी बैन इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसाइकलिंग कंपनीज विच आर डेडिकेटेड टू रिसाइकलिंग ई वेस्ट इन अ सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल वे।
ओके तो आपको जो अपना ई वेस्ट है वो क्या करना है, सर्टिफाइड कंपनी को देनी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है बेन बेसल एक्शन नेटवर्क, ठीक है, जो क्या है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, जो क्या करती है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को सेफली और रिस्पॉन्सिबली क्या करती है, उसको डिस्पोज करती है, राइट। व्हेन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग योर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इधर उधर अगर आप फेंक दोगे तो क्या होगा, जो लोग होते हैं जो कूड़ा वगैरह उठाते हैं वो क्या करेंगे, इसको कहीं पर भी ओपन एयर बंद कर देंगे टू गेट द वैल्यूएबल थिंग्स फ्रॉम देम, ठीक है। तो इससे बेटर है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को एक सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन को जो दो, जो उसको एक सेफ वे में क्या करे, डिस्पोज ऑफ करे, राइट। प्रिकॉशन टू टेक बिफोर डोनेटिंग और रिसाइकलिंग योर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डोनेट करने या रिसाइकल करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अपग्रेड योर कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ सिंपली रिप्लेसिंग इट, अगर आपका कंप्यूटर अपग्रेड हो सकता है तो आप क्या करो, उसको अपग्रेड करो, उसको रिप्लेस करने की बजाय उसको अपग्रेड करो। मतलब उसके अंदर आप क्या करो, विंडोज चेंज करा लो या उसके जो पार्ट्स हैं वो चेंज करा लो। नया लेने की बजाय आप क्या कर सकते हो, अपने अपने और कंप्यूटर को आप अपग्रेड करा सकते हो, ओके। फॉर्मेट ऑल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर प्रोडक्ट्स बिफोर डिस्कार्डिंग इट, अगर आप अपने अपने किसी भी डिवाइस को क्या कर रहे हो, डिस्कार्ड कर रहे हो, ओके, उसे डोनेट कर रहे हो, तो आपके आपको क्या करना चाहिए, उसको सबसे पहले फॉर्मेट कर देना चाहिए जिससे आपकी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो वो सारी की सारी डिलीट हो जाए। ऐसा ना हो कि आप अपना डिवाइस दो और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, राइट। टेक आउट द बैटरीज फ्रॉम योर गैजेट्स बिफोर गेटिंग रिड ऑफ देम, और जब भी आप अपने डिवाइस को डोनेट करें या रिसाइकल करें तो उसमें से क्या करें, उसमें से बैटरीज निकाल लें, ओके। तो यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको लेने हैं बिफोर डोनेटिंग और रिसाइकलिंग योर इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट वी हैव सेल ऑफ योर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, अपनी जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है आप उसको सेल ऑफ भी कर सकते हैं, उसे बेच भी सकते हैं, ओके। इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग इट, आप उसको डिस्कार्ड करने के बजाय किसी को सेल ऑफ कर सकते हैं, ओके। एज द ओल्ड सेइंग गोज, वन मैंस जंक इज अनदर मैंस ट्रेजर, तो ये क्या कह रहा है कि जो एक आदमी का जंक है, जो एक आदमी के लिए कबाड़ा है, वो दूसरे आदमी के लिए खजाना हो सकता है, राइट। तो दिस कैन बी अप्लाई टू हेल्पिंग यू गेट रिड ऑफ योर ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप इस ओल्ड सेइंग को अप्लाई कर सकते हो अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स से गेट रिड मीन्स उससे पीछे छुड़ाने के लिए, ठीक है। यू कैन टैप इनटू ऑनलाइन साइट्स लाइक क्रेग्सलिस्ट, ईबे और इवन रिसोर्ट टू हैविंग अ गैरेज सेल, एज दिस विल हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ योर आउटडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज अर्निंग सम मनी। तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन जाके, ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स है लाइक ईबे है, क्रेक्सलिस्ट है, ओके, जिनके थ्रू आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को, अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान को बेच सकते हो, सेल ऑफ कर सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो, फाइन। नेक्स्ट, डोनेटिंग योर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, आप अपने जो आपकी आउटडेटेड डिवाइसेस हैं उनको डोनेट भी कर सकते हो, ओके। ओल्ड गैजेट्स दैट यू नो लॉन्गर नीड कैन बी डोनेटेड एज दे मे बी यूजफुल टू अदर्स, ओके। आप अपने ओल्ड गैजेट्स अगर आपने न्यू ले लिए हैं तो आप उनको डोनेट कर सकते हो, वो किसी और के लिए काम आ सकते हैं, ओके। योर ओल्ड कंप्यूटर्स मे बी यूजफुल टू आइदर एन एनजीओ और स्टूडेंट्स, आपके ओल्ड कंप्यूटर्स हैं वो किसी एनजीओ के काम आ सकते हैं, स्टूडेंट्स के काम आ सकते हैं, ओके। यू शुड आस्क योरसेल्फ दीज टू क्वेश्चंस बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ योर ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्पोज ऑफ करने से पहले दो क्वेश्चंस पे ध्यान दें, दो चीजों पे ध्यान दें। इज द इलेक्ट्रॉनिक आइटम वर्किंग, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम काम कर रहा है। डज द कंप्यूटर हैव एनी ऑफ योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, और डोनेट करने से पहले या डिस्पोज ऑफ करने से पहले हमेशा ध्यान रखें कि जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ओके। लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेसेस ऑफर इलेक्ट्रॉनिक डोनेशन प्रोग्राम्स विच यू कैन चूज फ्रॉम, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डोनेशन प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान को डोनेट कर सकते हैं, फाइन।
Visit civic institutions. Inquire amongst your government, universities and school for any recycling program they run, as lot of organizations have started assigning a certain day and place for environmentally conscious citizens to come and drop off their e-waste. Okay, तो ऐसे कुछ institutions हैं जो programs organization sorry programs organize करते हैं कि आप एक particular day पे आके ओके अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान को ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं, वहां पे आप दे सकते हैं. ओके तो आपको क्या करना है, अपने यूनिवर्सिटी स्कूल्स या जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है वहां पे आपको इसका ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरीके के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे सिटीजन्स जाके अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ड्रॉप ऑफ मतलब वहां पे दे सकते हैं. फाइन, नाउ गिव बैक टू योर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज एंड ड्रॉप ऑफ point. Okay, a lot of electronic companies tend to have an exchange policy whereby they take back your old gadgets when you buy a later version. Okay, sometimes offering you a discount on your new purchases. So kya keh raha hai, give back to your इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज एंड ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स. ओके तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज ऐसी हैं जो क्या करती हैं, आपके ओल्ड गैजेट्स को लेकर आपको न्यू वर्जन प्रोवाइड करती हैं. न्यू वर्जन अगर आप लेते ओल्ड गैजेट्स भी ले लेंगे और आपको उसका न्यू वर्जन प्रोवाइड करेंगे और ओल्ड गैजेट्स की के बेसिस पे आपको डिस्काउंट भी मिलता है आपके परचेज पर. ओके जैसे आप फोन बाय करने गए तो कुछ कंपनीज प्रोवाइड करती हैं आप अपना पुराना फोन ले जाओ तो जो उस फोन का अमाउंट होता है वो कट हो जाता है न्यू फोन के अमाउंट में से. राइट, तो यहाँ पे आप अपने पुराने डिवाइस को क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकते हो. राइट, अ फ्यू रिसाइकलिंग कंपनीज हैव सेट अप इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉप ऑफ initiatives along with drop off points for products such as cell phones and tablets after which they are recycled. ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने क्या किए हैं, सेटअप्स बनाए हैं जहाँ पे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को छोड़ सकते हैं. ओके, और ये कंपनीज क्या, लाइक आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं फोन्स टेबलेट्स एसेक्टा, जिनको ये कंपनीज क्या करती हैं, रिसाइकल करती हैं. ओके, यू कैन आस्क योर लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स रिगार्डिंग एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रॉप ऑफ लोकेशन. तो आप अपने आसपास की जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स होती है वहां से इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस लोकेशन पे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान को छोड़ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं. फाइन, ओके, नेक्स्ट वी हैव सेफ गार्ड बोथ द एनवायरमेंट एंड योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. तो आपको एनवायरमेंट को भी सेफ रखना है और अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भी. ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ टूडे बट द फ्लिप साइड इज द ई वेस्ट दैट कम्स अलॉन्ग विद इट. तो ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, लेकिन इसकी फ्लिप साइड मतलब इसका अनदर एस्पेक्ट क्या है, इसकी रिवर्स साइड क्या है कि ये एक अपने साथ ई वेस्ट भी लाता है. सो मेक श्योर टू फॉर्मेट योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ. तो अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डिस्पोज ऑफ करने से पहले हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसमें आपकी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं हो, वो फॉर्मेट हो. ओके, बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ देम इन अ प्रॉपर मैनर एज द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ नॉट डूइंग सो कैन बी पेनफुल. ओके, तो जो इसको एक प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस बहुत पेनफुल होते हैं. एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है. ओके, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है. ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सोसाइटल इम्पैक्ट्स. टिल देन कीप स्टडिंग, बी सेफ एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोज.